प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 तक हर गरीब को अपना पक्का मकान। अररिया लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के पक्ष में शनिवार को चुनावी सभा विजय संकल्प रैली को संबोधित करने फारबिसगंज पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी मतदाताओं की भीड़ देख खुश हुए, कहा कि अब 2022 तक हर गरीब को अपना पक्का घर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलवामा की घटना पर सबूत मांगने वाले, एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले संपन्न दो चरणों के चुनावों के मिल रहे रुझानों के कारण चुप्पी साध रखी है। ये चुप्पी जनता के कारण संभव हो पाया है। श्री मोदी ने कहा कि देश के टुकड़े करने की मानसिकता रखने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि श्री मोदी की कद के सामने गठबंधन चुनाव पूर्व ही टूट गया है। चुनाव प्रचार में सभी बिखर गए हैं। विकास की चर्चा करते हुए सभी क्षेत्रों में सुधार होने की बात कही। मंच पर मोदी को स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु के ज्येष्ठ पुत्र पद्मपराग रॉय रेणु ने कालजयी रचना मेला अचल की प्रति भेंट की। ब्यूरो रिपोर्ट, मिस बाहुल इस्लाम, अररिया। मोदी जी, बिहार के वरिष्ठ मुख्यमंत्री, हम लोगों के साथी नेता नीतीश कुमार जी, आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी जो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रेम कुमार जी मंत्री हैं बिहार सरकार के, प्रदीप सिंह जी हैं जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी एनडीए के साथी नेतागण और इस विशाल जन समूह में लाखों की संख्या में आए हुए माताओं बहनों भाइयों पत्रकार साथियों, मैं सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी को इस अररिया की ऐतिहासिक भूमि पर हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। हम लोग इसके पहले अररिया में दो जगह हम लोगों का कार्यक्रम हुआ था, सुशील मोदी जी और मेरा, और जिस तरह का माहौल है, कहीं अपोजिशन नाम का विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं है। हमारी लड़ाई गरीब की लड़ाई है। आज दो तरह का भारत है, एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है। आज जो जूता बनाता है उसके बेटे के पांव में हवाई चप्पल नहीं है, जो कपड़ा बनाता है उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो महल बनाता है उसको रहने के लिए झोपड़ी नहीं है। और केंद्र सरकार के माननीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री भाई सुशील कुमार मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, अररिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा और एनडीए के उम्मीदवार भाई प्रदीप सिंह जी, मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यू और एनडीए के उम्मीदवार श्री दिनेश चंद्र यादव जी, झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए और जनता दल यू के उम्मीदवार श्री रामप्रीत मंडल जी, सुपौल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यू और एनडीए के प्रत्याशी श्री दिनेश्वर कामोने का मौका दिया है। और आप जान लीजिए, हम लोग 13 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक परिवार को 15 साल का मौका मिला है, पति पत्नी राज का 15 साल। और 15 साल में बिहार का 1 साल का बजट क्या होता था? 24,000 करोड़ रुपए से भी कम। और आपने हम लोगों को जिम्मेवारी सौंपी और अब बिहार का बजट 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। और पहले बिहार की क्या हालत थी? आज बिहार का विकास दर
11.3% हो गया है इस देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा विकास का दर। और हम लोगों ने एक एक क्षेत्र में काम किया है। और जो हम लोग अब हर घर नल का जल पहुंचा देंगे, आप पूरे जितने गांव हैं सब में पक्की गली और नाली का निर्माण। और जान लीजिए देश की योजना है हर घर शौचालय, बिहार में शौचालय निर्माण का कार्य इस बार के बापू जयंती के अवसर तक 2 अक्टूबर तक इस साल हम लोग पूरा कर देंगे।